गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है गैलेक्सी एकेडमी में। आज हम देखेंगे साइंस वन का चैप्टर नंबर 4, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसकी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम थोड़े बेसिक्स देखेंगे कि फार्मूला को डिराइव कैसे करते हैं। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या दिया है, देखो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the applied potential difference and inversely proportional to the resistance in the circuit. अगर हम इसको formula में convert करते हैं तो क्या बताया, that the current flowing in a circuit, current को हम denote करते हैं I से, current है I equal to current flowing in a circuit is directly proportional to the applied potential difference. तो directly proportional है, जो directly proportional होता है हमेशा क्या होता है, numerator में आता है, potential difference का जो शॉर्ट फॉर्म है उसका सिंबल है वी आएगा, वी लिखना है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। देयरफॉर ये रेजिस्टेंस इधर डिवाइडेड बाय है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई इन टू आर, देयरफॉर वी इज इक्वल टू आएगा आई आर। वी की वैल्यू आएगी वी इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला डिराइव हुआ। देखो अगर ये सब हमको ये एक्सरसाइज अगर सॉल्व करना है ये लेसन की, तो इसमें थ्री फॉर्मूलेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको याद रखेंगे तो हम कौन सा भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो दूसरा सेकंड फॉर्मूला देखेंगे पावर पी इज इक्वल टू, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, पावर इज इक्वल टू क्या आएगा, इलेक्ट्रिक वर्क ब्रैकेट में वो W या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज्ड, ये दोनों है, अपॉन टाइम। तो जो पावर की फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला जो डिराइव होगा, P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन टाइम। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला देखेंगे तो वर्क का एक फॉर्मूला हमको दिया है, मैं इधर ही लिख लेता हूँ, वर्क जो फॉर्मूला है, वर्क का फॉर्मूला आएगा पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से हम कौन सा भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, देखो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, देयरफॉर पावर इज इक्वल टू, ये जो वर्क है, वर्क का इधर फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, तो हम डब्ल्यू को रिप्लेस करते हैं वी आई टी अपॉन टी, तो ये टी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, देयरफॉर पावर का जो फॉर्मूला आएगा, पावर इज इक्वल टू क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट अपॉन कुछ नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, अपॉन वन मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। और इसी में हम अगर फर्दर एक्सटेंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम देखते हैं दो, ये जो वी है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका फॉर्मूला हमने इधर डिराइव किया था, उसको हम रिप्लेस करेंगे तो आई आर से क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आई, देयरफॉर पावर इज इक्वल टू क्या आएगा, आई स्क्वेयर आर, ये सेकेंड फॉर्मूला डिराइव हो गया, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, ये भी आया। और समझो यही फॉर्मूला हम वापस लेते हैं, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर इक्वल टू, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं रेजिस्टेंस से, आई स्क्वेयर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वल टू आई स्क्वेयर और ये हो जाएगा आर स्क्वेयर अपॉन आर, आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन आर इक्वल टू, ये स्क्वेयर स्क्वेयर दोनों के लिए कॉमन है तो इसको कॉमन में ले लेते हैं, आई आर ब्रैकेट स्क्वेयर अपॉन आर इक्वल टू, मैं इधर कंटिन्यू करता हूँ, तो आई आर क्या स्टैंड्स, आई आर स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा वी स्क्वेयर अपॉन रेजिस्टेंस। तो इसमें देखो कितने फार्मूले डिराइव हो गए, एक फार्मूला है ये हम यूज़ कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, ये भी डिराइव होगा, और पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर आर, ये भी डिराइव हो गया।
तीन फॉर्मूले से हमने ये तीन फॉर्मूले से और ज़्यादा हमने तीन क्या किए फॉर्मूला डिराइव कर लिए। तो ऐसे अगर अगर हमको ये सिर्फ ये तीन फॉर्मूले हमको याद रहते हैं तो इससे हम बहुत सारे ये और ये फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं डिराइव कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया है हीट एनर्जी। क्या दिया है? हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट द रेट ऑफ 100 वाट। तो 100 वाट से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, इसी को कहते हैं पावर। इसी को कहते हैं पावर। द करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट। और जो करंट है I, ये क्या आएगा 3 एम्पियर, और जो पावर है ये P है 100 वाट। पावर कभी भी वाट में होती है और जो इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में होता है। तो द इलेक्ट्रिक करंट ये कितना है 3 एम्पियर है। द करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग द सर्किट, वॉट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले हम लिख के लेंगे कि हमको दिया क्या है। पहले हमको दिया है पावर, पावर इज इक्वल टू कितना दिया है, पावर इज इक्वल टू 100 वाट। फिर हमको दिया है आई, इलेक्ट्रिक करंट दिया है हमको, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 3 एम्पियर। और हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है आर, रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है, आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। तो अभी हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसमें से फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, हमको वही फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें ये तीनों कंपोनेंट मौजूद है, तीनों कंपोनेंट मौजूद है, वो फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। जो फॉर्मूला है जो हम यूज़ इधर जो करेंगे, जिसमें तीनों कंपोनेंट मौजूद है, वो फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू क्या आएगा आई स्क्वेयर आर। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, इसमें इधर हमको पावर की भी वैल्यू पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन आई की वैल्यू हमें पता है। अगर कोई भी फॉर्मूला में कंपोनेंट्स है उसमें एक कंपोनेंट की वैल्यू पता नहीं, बाकी सबकी एक कंपोनेंट की वैल्यू, यूनिट्स की वैल्यू पता है हमको, तो वो हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आसानी से। तो पावर देखो, पावर की वैल्यू क्या आएगी, तो हमको आर निकालना है, तो पावर की वैल्यू आएगी 100 वाट, वैल्यू फॉर्मूले में रिप्लेस करो। आई क्या आएगा 3 एम्पियर, तो इसका आएगा 3 एम्पियर स्क्वेयर इंटू आर। देर फोर रेजिस्टेंस इक्वल टू ये आएगा 100, अभी यूनिट्स लिखना ज़रूरी नहीं है, इक्वल टू क्या होगा 9, जब 9a² नहीं लिखना है, ये a क्या है इसका यूनिट है, ये क्या है वेरिएबल नहीं है इसका, तो इसको a स्क्वायर नहीं लिखना है, तो ये आएगा 9r। देर फोर आर इज इक्वल टू 100 / 9, 9 इधर मल्टीप्लाइड बाई इधर जाने के बाद में डिवाइडेड बाई होगा। देर फोर आर इज इक्वल टू, अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 1 9, 10 - 9 1, इधर 1 क्या होगा वापस से 10 हो जाएगा, 9 1 9, फिर ऐसे ही कंटिन्यू होगा 11.11, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल तक लिखना है और इसका वैल्यू आएगा ओम्स, ये क्या आएगा 11.11 ओम्स, रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 11.11 ओम्स आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या बताए, 2 टंगस्टन बल्ब्स ऑफ वेटेज 100 वाट एंड 60 वाट पावर वर्क ऑन 22 V पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और 2 टंगस्टन बल्ब्स के हमको पावर भी दी है, 100 वाट है दूसरा है 60 वाट। इफ़ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये पैरेलली कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर। तो हमको निकालना है कि आई निकालना है कि कितना फ्लो करता है, टोटल करंट हमको निकालना है। सबसे पहले हमें 2 टंगस्टन बल्ब्स की क्या दिए, पावर दिया है, तो हम इसको लिखते हैं P1 पहले दिया है 100 वाट, और जो P2 दिया है 60 वाट, पहले हम वो लिख के लेते हैं, P2 दिया है 60 वाट। और V, हमको V दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट्स, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट्स है। और हमको फाइंड क्या करना है, हमको आई निकालना है। तो हमारे पास जितने भी फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले से हमको क्या करना है, आई की वैल्यू निकालना है, और हमको ऐसा फॉर्मूला चुनना है जिसमें 2 यूनिट की वैल्यू हमको पता है। तो अगर वो फॉर्मूला हम देखते हैं तो फॉर्मूला हम ये यूज़ कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू वो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हमें पावर की वैल्यू पता है और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता है, तो हम ये आई के भी निकाल सकते हैं। देयरफॉर
सिंप्लीफाई करके लेंगे हम इधर आई इज इक्वल टू आई क्या आएगा, ये भी इधर मल्टीप्लाइड बाय इधर जाएगा तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, तो यह आएगा आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। तो देयर फोर अब इधर इलेक्ट्रिक करंट है, इधर तो दो इलेक्ट्रिक करंट आएंगे क्योंकि दो टंगस्टन बल्ब है, तो पहले आई वन निकाल लेते हैं। आई वन इज इक्वल टू क्या आएगा, पी वन अपॉन वी। तो आई वन आएगा पी वन अपॉन वी, और आई टू आएगा, आई टू इज इक्वल टू क्या आएगा, पी टू अपॉन वी। अभी हम यहाँ देखते हैं, इन्होंने बताया हमको क्वेश्चन में डिटेल्स दिया है कि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या है कनेक्शंस, कनेक्शंस आर पैरेलल। तो कनेक्शन कैसे है, ये कनेक्शन पैरेलल है, तो अगर कनेक्शंस पैरेलल होंगे तो इलेक्ट्रिक जो करंट होगा इन द मेन कंडक्टर ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देयरफॉर करंट इन द मेन कंडक्टर क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, करंट इन द मेन कंडक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू, क्या हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू। देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक करंट है, टोटल इलेक्ट्रिक करंट ये आएगा, आई वन कितना है, इक्वल टू आई वन प्लस आई टू इक्वल टू, आई वन कितना है, पी वन अपॉन वी, पी वन अपॉन वी प्लस आई टू कितना आएगा, पी टू अपॉन वी, पी टू अपॉन वी इक्वल टू वी, वी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर आएगा पी वन प्लस पी टू, दो फ्रैक्शन के बीच में अगर प्लस या फिर माइनस होगा तो सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर देखना है, अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो डिनोमिनेटर एज इट इज लेना है, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, या डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हमने क्या किया एज इट इज लिया। अब हम वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे, पी वन की वैल्यू कितनी है 100 वैट प्लस पी टू की वैल्यू कितनी है 60 वैट, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना है 220 वोल्ट्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 160 अपॉन 220। अगर ये जीरो जीरो कट करेंगे 211 22 2 8 16, अगर हम 8 को 11 से डिवाइड करते हैं 11 जीरो ज़ा ज़ीरो 8 माइनस ज़ीरो 8 आगे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पॉइंट इधर ज़ीरो डालेंगे तो 11 सेवन ज़ा 77 तो आएगा 3 आगे कुछ भी नहीं ज़ीरो, तो 11 टू ज़ा 22 30 माइनस 22 आ जाएगा और 8 आएगा आगे कुछ भी नहीं तो 0 आएगा 0.727 आएगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा तो 0.7 हम इसको क्या करेंगे 0.73 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा क्या होता है एम्पियर्स में होता है इलेक्ट्रिक करंट, इसके लिए हम लिखेंगे 0.73 एम्पियर्स आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, क्या दिया है, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दो हमको डाटा दिया है, एक टीवी सेट का एक हीटर का, और इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन स्पेंड करता है, कौन यूज़ करता है, हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डाटा को लिख के लीजिए, सबसे पहले दिया है टीवी सेट, तो क्या करेंगे टीवी सेट का जो गिवन डाटा है वो लिख के लेंगे। टीवी सेट जो दिया है 500 वैट यूज़ करता है, मतलब पावर जो यूज़ करता है P1 इज इक्वल टू कितना है 500 वैट है, और यही टीवी सेट और ये जो टाइम है जो T1 है इसका कितना है 30 मिनट्स है, ये क्या है 30 मिनट्स है, लेकिन इस 30 मिनट्स को आपको क्या करना है सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 30 इंटू क्या आएगा 60 सेकेंड्स। देयरफॉर टी वन इज इक्वल टू क्या आएगा 3 6 18 तो आएगा 1800 सेकेंड्स, ये टीवी सेट का हो गया। अब हीटर का हम लिख के लेंगे, हीटर का डाटा हमें क्या दिया है, हीटर क्या दिया है पी टू, इसको लेते हैं पी टू, इसका जो पावर है इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर कितना है 600 वैट दिया है 600 वैट, और जो टाइम है
टी टू ये कितना इन 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स ये भी मिनट्स में दिया है, हम क्या करेंगे इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करके लेंगे, तो 20 इंटू क्या आएगा, 20 इंटू 60 सेकेंड आएगा, तो इक्वल टू देयरफॉर टी टू इक्वल टू 62 इज़ 12 आएगा, 1200 सेकेंड्स ये आएगा। अभी हमें यहाँ निकालना है हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो भी फॉर्मूला है, जो पावर का फॉर्मूला हमें पता है, पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज अपॉन टाइम, देयरफॉर जो आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज का फॉर्मूला क्या आएगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज इक्वल टू क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पी इंटू टी, ये आएगा पी इंटू टी, ये हम फार्मूला इधर यूज़ करेंगे पी इंटू टी है, क्योंकि जो पावर का फार्मूला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज अपॉन टाइम, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज का जो फार्मूला है जो डब्ल्यू है, इसको लिखो जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू का फार्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू पी टी, देयरफॉर तो सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज टी वी का देखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड सबसे पहला करेंगे टी वी, टी वी का कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला है पी टी, तो इधर आएगा पी वन टी वन, क्या आएगा पी वन टी वन इक्वल टू, पी वन कितना है 500 वैट इंटू टी वन कितना है 1800 सेकेंड्स, क्या 1800 सेकेंड्स, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा 5 ज़ा 40 ज़ीरो कैरी 4 5 1 ज़ा 5 और 9 ये तो हो गया 90, इसके दो ज़ीरो इसके दो ज़ीरो आ गए 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे हम 9 × 10⁻¹⁰, देखो कितनी ज़ीरो 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा 9 × 10⁻¹⁵ जूल्स, ये आएगा 9 × 10⁻¹⁵ जूल्स। अब देखेंगे हीटर का, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कितना आएगा, तो देखेंगे तो कितना है इसका फॉर्मूला आएगा P2T2 इक्वल टू P2 कितना है 600 वैट इनटू T2 कितना है 1200 सेकेंड्स इक्वल टू, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 12 से क्या आता है 72 आता है, इसके दो जीरो इसके दो जीरो टोटल हो जाएंगे कितने 4 ज़ीरो 2 3 4 72 मैंने 17 लिखा सॉरी ये आएगा 72 12 × 6 = 72 और 4 ज़ीरो 72 तो 72 और 4 ज़ीरो, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या आएगा 72 × 10⁻¹⁴ कितने ज़ीरो 1 2 3 4 10⁻⁴ आएगा, लेकिन इसको और वापस हम कन्वर्ट करेंगे और एक पॉइंट्स में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7.2 × 10⁻⁴, ये हो जाएगा इक्वल टू 7.2 × 10⁵ जूल्स पर सेकेंड। इसमें से हमने क्या किया एक पॉइंट में लेके आए, ये आंसर जो है ऐसे ही लिखना है कि एक ही पॉइंट में लेके आने आंसर, नहीं तो पॉइंट के बाद में सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, तो यह आएगा 7.2 × 10⁵ जूल्स, क्योंकि इसके दोनों के जो हमको पावर्स है एक ही करना है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है टीवीज ये क्या कर रहा है ज़्यादा एनर्जी स्पेंड कर रहा है 9 × 10⁵ जूल्स है, और जो हीटर है 7.2 × 10⁵, ये जो 10⁵ तो कंपेरिजन के लिए आसानी हो जाती है, इसके लिए हमने क्या किया इसको 10⁵ कर लिया, तो इधर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़्यादा कौन यूज़ कर रहा है टीवी ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ये लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है कि दस द टीवी यूजेस मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज कम्पेयर टू द हीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ 1100 वैट इज ऑपरेटेड फॉर 2 आवर्स डेली, तो एक इलेक्ट्रिक आयन है जिसको हम इस्त्री कहते हैं, वो 1100 वैट की है, उसको हर रोज़ 2 घंटे इस्तेमाल किया जाता है,
what will be the electrical consumption expenses for that in the month of April. तो अप्रैल में इसका electric consumption कितना होगा, इसकी cost कितनी होगी, expenses कितने होंगे. और आगे हमें एक information दी है, the electric company charges rupees 5 per unit of energy. तो हमें क्या करना है, पहले जो energy consumed है per unit, units के हिसाब से निकालना है, कितनी units consume होती है वो पहले हम निकालना पड़ेगा. फिर हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें डाटा दिया क्या है, दिया क्या है. सबसे पहले हमें दिया है पावर, जो है पावर इक्वल टू कितना है, 1100 वाट. पावर इज इक्वल टू 1100 वाट दिया है. जो टाइम है टी, टी इज इक्वल टू क्या है, 2 आवर्स, ये 2 आवर्स. लेकिन हम जो एक्सपेंसेस हमें निकालना है या तो फिर इलेक्ट्रिक यूनिट्स कंज्यूम जो निकालें फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 × 30 डेज, क्योंकि अप्रैल के महीने में कितने डेज होते हैं, 30 डेज. देयर फॉर जो टाइम आएगा कितना आएगा, टाइम इज इक्वल टू 60 आवर्स, तो आएगा 60 आवर्स. देयर फॉर अभी जो हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमारे पास जो हमको यूनिट्स की वैल्यू पता है, पावर की वैल्यू पता है, टाइम की वैल्यू पता है, तो हमें पता है पावर इज इक्वल टू क्या आएगा, W अपॉन टी. W स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज्ड या फिर कंज्यूम. देयरफॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज्ड W इक्वल टू क्या आएगा, W क्या आएगा, P इंटू टी है, टी इधर डिवाइडेड बाई इधर जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा P इंटू टी. और हमें इसको क्या करना है, यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, तो ये आएगा 1 kWh पर यूनिट, क्योंकि जो यूनिट्स कैलकुलेट होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, 1 kWh पर यूनिट ऐसा कैलकुलेट होता है. और इसको अगर हम कन्वर्ट वापस आगे करते हैं, 1 kW में कितने ये होते हैं, वैट्स होते हैं, 1000 वैट्स होते हैं, 1000 वैट्स आर पर यूनिट. अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, इक्वल टू जो पावर का वैल्यू है हमें दिया है 1100 वैट, 1100 वैट इंटू टाइम, टाइम है 60 आवर्स अपॉन कितना है, 1000 वैट्स आर पर यूनिट. ये हमने जो डिवाइड किया है 1 kWh पर यूनिट, ये यूनिट जो कंज्यूम्ड है, यूनिट्स के लिए ये डिवाइड किया है, क्योंकि इसको हमको वैट्स में, यूनिट्स में कन्वर्ट करना है 1 kW में. इक्वल टू अगर यहाँ आप देखेंगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 1166 आएगा, 1166 इसके 2 जीरो, इसका 1 जीरो, तो आ जाएगा टोटल 1 2 3 जीरो डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1000. ये 3 जीरो 3 जीरो कट, तो टोटल आएगा यूनिट्स कंज्यूम्ड कितना आएगा, 66 यूनिट्स ये कंज्यूम टोटल हुआ है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. लेकिन हमें निकालना क्या है, द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक्सपेंसेस, तो वो निकालना है. देयरफॉर इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक्सपेंसेस इक्वल टू ये क्या है, रुपीज 5 पर यूनिट है, तो क्या आएगा, रुपीज 5 इंटू 66 इक्वल टू आएगा रुपीज 5 5 6 30 0 3, इधर क्या रहेगा 5 6 30 क्या आ जाएगा, 33, तो आ जाएगा रुपीज 330 आ जाएगा.